जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में उप जिला अधिकारी जसपुर गौरव चट्टबाल के नेतृत्व में जिला विभाग की और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सहारा नर्सिंग होम और एमएस डेंटल केयर क्लिनिक पर छापेमारी की है। वहीं इस छापेमारी से स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी के दौरान सहारा नर्सिंग होम में कोई चिकित्सक और कोई भी स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं था और न ही नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन मिला है। उप जिला अधिकारी जसपुर गौरव चट्टबाल ने कहा कि सहारा नर्सिंग होम और एमएस डेंटल केयर क्लिनिक जो कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था, जिसके बाद इन दोनों नर्सिंग होम पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीज करने की कार्रवाई की गई है। चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जो भी यहां जिम्मेदार है उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ पे जो गर्ग अल्ट्रासाउंड वाली गली के पास एमएच फार्मा के पास एक सारा नर्सिंग होम है जो लीगली जो है इलाज कर रहा है और डिलीवरी भी करा रहा है, और उनका बोर्ड भी यहाँ पे आप पीछे देखेंगे लगा हुआ है जिसमें बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र किया गया, लेकिन वो कोई सुविधा अंदर प्राप्त नहीं हुई और ना ही किसी तरह का ट्रेंड स्टाफ या डॉक्टर यहाँ पर पाया गया। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल ही इलीगली नर्सिंग होम संचालित हो रहा था, क्योंकि यदि ये लीगल होता तो यहाँ पर पूरी डिग्री, डॉक्टर्स का नाम और बाकी चीज़ें, सुविधाएं यहाँ पे जो मरीजों को दी जानी है वो दी जाती हुई मिलती। पहुँचे तो यहाँ पे एक आज जिलाधिकारी जसपुर के साथ मिलकर ऐसे अस्पताल जो मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई। आज दो अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की गई। एक अस्पताल में 4 मरीज भर्ते थे और ये अस्पताल 2 कमरों में चल रहा था। उसमें 2 कमरे थे उपलब्ध थे और एक कमरे में ओटी बनी हुई थी। ओटी या कमरे वहाँ पर कोई भी मानक के अनुरूप नहीं थे। अत्यधिक गंदगी में मरीजों को रखा जा रहा था। बायोमेडिकल वेस्ट का कोई इंतजाम नहीं था और ऐसी ही परिस्थितियों में एक महिला को सिजेरियन ऑपरेशन करके अस्पताल में रखा हुआ था। ये अस्पताल किसी सपना नाम की महिला का होना बताया जा रहा है।